उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी खासा रुतबा रखने वाले और सपा सरकार में मंत्री रहे आजम खान के ठिकानों पर बुधवार 13 सितंबर को आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। आईटी टीम जौहर ट्रस्ट को लेकर हुई गड़बड़ियों के सुराग तलाश रही है। छापेमारी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि सरकार जितनी कमजोर होगी विपक्ष पर छापे उतने बढ़ते जाएंगे। सपा नेता आजम खान के रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर और लखनऊ में ठिकानों पर सुबह से ही आयकर की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी थी। 6 महीने पहले आयकर विभाग ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के आयकर हलफनामे की फिर से जांच शुरू की थी। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए आयकर हलफनामे में कई गड़बड़ियां सामने आई थी। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के आदेश पर आयकर विभाग की टीम छापा मारी करने पहुंची। आयकर की टीम ने आजम खान के करीबी और चमरौआ से सपा विधायक नसीर खान के घर पर भी छापा मारा है। नसीर खान जौहर ट्रस्ट में पदाधिकारी हैं। छापे के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा, किसी को भी अंदर या बाहर नहीं जाने दिया गया।